क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है हम आपको बता रहे हैं। पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। यानी 3 दोस्तों क्या है, एक जैसे है, और एक इसमें क्या है, अलग है। उसकी जो अलग है उसी को बताना है कौन अलग है। तो देखिए, अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे चारों विकल्प को, तो पहला विकल्प में अप्रैल लिखा है, दूसरे में जून, तीसरे में अगस्त और चौथे में सितंबर। तो दोस्तों देखने से ये क्या लग रहा है, ये वर्ष के महीने हैं। तो इसमें आप अलग कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, वर्ष के अलग अलग महीने हैं, इसमें अलग कैसे पहचानेंगे। तो आप क्या करेंगे, दिनों के संख्या के आधार पे। कहने का मतलब है, अप्रैल में दोस्तों टोटल कितना दिन होता है, अप्रैल में दोस्तों 30 दिन होता है। जून में दोस्तों कितने दिन होते हैं, जून कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का। अगस्त में दोस्तों कितना दिन होता है, ध्यान दीजिएगा, अगस्त में होता है 31 दिन। सितंबर में दोस्तों कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। अब बताइए, इसमें 3 एक जैसे आपको दिख रहा होगा और एक अलग, कौन अलग दिख रहा है, अगस्त। अगस्त में 31 दिन होता है, जबकि दोस्तों अप्रैल जून सितंबर में 30 दिन होता है। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। तो अगस्त इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा, यानी तीनों अन्य विकल्प से अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हो, वर्ष के अलग अलग महीने को नाम दिया हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कौन सा महीना दोस्तों 31 का होता है, कौन सा महीना 30 का होता है, इस आधार पे भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर ये चीज़ क्या करिएगा दोस्तों, नोट जरूर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, वो सोचते हैं कि चारों विकल्पों को चेक करना होगा कि किस विकल्प से आंसर आएगा, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम आपको आसान तरीका दोस्तों बता रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड में आंसर देंगे। आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न आप कभी भी पेपर में नहीं छोड़ेंगे, ऐसे प्रश्न को आप देखते ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा विकल्प यहाँ पे रख दे 27, 3, 19 और 10 के बीच में, यहाँ पे सिंबल रखना है कि बराबर ये 90 हो जाए। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए जो आसान तरीका हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। पहले आप देखेंगे भाग वाला सिंबल, जैसे पहला ऑप्शन में भाग वाला सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में, तो भाग वाला सिंबल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, यानी 19 भागे 10। तो बताइए दोस्तों, 10 से जब 19 में भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित होगा, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ये दशमलव में जाएगा। ठीक है, दशमलव में हमें नहीं ले जाना है, क्योंकि बराबर में 90 दिया है, ध्यान दीजिएगा। और आगे यहां पे दोस्तों कोई गुने में होता और 10 की ये मल्टीपल में होता, तब तो हम भाग करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले अभी आप ध्यान दीजिए, बस क्या करिए, पहले भाग वाला सिंबल देखिए, 19 में दोस्तों 10 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन को भी हम इससे मतलब सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, 100% क्लियर नहीं है, लेकिन अभी क्या करेंगे, यहां तक छोड़ देंगे। फिर दूसरे ऑप्शन में देखिए, भाग वाला कहां है, बीच में, यानी कि 3 भागे 19, बताइए 19 से 3 में भाग जाएगा, नहीं, दूसरा ऑप्शन से भी अभी हम नहीं चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन में कहां है भाग वाला, यहां पे है, जैसे पहला ऑप्शन में, तो इससे भी नहीं हुआ। ठीक है, अब बचा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब आप चौथे ऑप्शन से चेक करिए, चौथे ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 27 है, पहले गुने है, तो हम कर देंगे गुने। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे 3, ठीक है, उसके बाद से क्या है दोस्तों, प्लस है, तो हम यहां पे लिख देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों 19, उसके बाद क्या है माइनस, तो लिखेंगे -10। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, 90 होना चाहिए इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो भाग तो इसमें नहीं, गुना करेंगे। 27 दिया दोस्तों क्या होता है, 27 दिया बताइएगा, देखिएगा 27 दिया दोस्तों होता है 81, क्या होता है 81, और प्लस क्या है दोस्तों 19, और माइनस क्या है 10, 81 और 19 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 100, और 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 90 होगा, और बराबर में यहां पे 90 दिया हुआ, किस ऑप्शन से 90 आया, ऑप्शन नंबर डी को रखने पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसमें कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा, सेकेंडों में आंसर आएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले आप भाग वाला देखेंगे, जैसे यहां पे भाग रखेंगे तो भाग नहीं जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा वाला भाग यहां पे रखेंगे तो तीन में दोस्तों 19 से भाग नहीं जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत। फिर यहां पे तीसरे में इस तरह से भाग है तो यहां पे 19 भागे 10 है, ये भी नहीं होगा। जब चौथा ऑप्शन बच गया तो चेक किए, चौथा आंसर आ गया। बस इतना ही तो टाइम लगता है, ज्यादा कुछ नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है भाग वाले सिंबल से कटता है, जिस भाग वाले सिंबल से दोस्तों भाग जाता है उसी ऑप्शन को हम पहले भी चेक करेंगे, ठीक है, समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ईबुक लॉन्च की गई है। ये ईबुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस ईबुक में 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ईबुक में शामिल किया गया है। इन 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या दोस्तों, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के ऑनलाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, कहीं पे भी क्लिक करके इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ईबुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, एसएससी मेकर का ये कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप अच्छे से जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल है जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीका बता रहा हूं, पूछा गया प्रश्न है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए जो आसान तरीका है ध्यान दीजिएगा करना क्या है, पहले देखिए 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81 क्वेश्चन मार्क, तो आप इसको ऐसे देखेंगे, देखिए यहां पे 3 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 27, 27 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए एक एक संख्या को छोड़ के देखिए, देखिए इस प्रकार से 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, यानी कि 3×3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9×3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27×3 करेंगे तो 81 हो जाएगा, समझ रहे। फिर एक एक संख्या आप ऊपर से छोड़िएगा, 4×4 क्या करना है दोस्तों, यहां पे ऊपर वाले में गुने 4 करने, नीचे वाले में गुने 3 के ना, ऊपर वाले में गुने 4, 4 चौको 16, फिर यहां पे क्या होगा 16×4 करेंगे तो 16 चौको 64, और 64×4 दोस्तों 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों गुना करके भी देख सकते हैं, 256 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 256 होगा। देखिए 256 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल से जरूर जुड़ जाइए, और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि उस एग्जाम की प्रिपरेशन हम और अच्छे तरीके से करा दें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कमेंट आप सभी लोगों को करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, किस टॉपिक में कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है ये भी कमेंट करके बताइएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों, किसका, नागरिक, शिक्षित और मनुष्य के बीच। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी कराए हैं, वेन डायग्राम के प्रश्न, और वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है हम आपको बताए हैं। वेन डायग्राम के प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए तो आप देखेंगे क्या शब्द दिया है, नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, इसी के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे आप विचार करिए, नागरिक कौन होता है ऐसे सोचेंगे, शिक्षित कौन होता है, मनुष्य कौन होता है। दोस्तों जो मनुष्य होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, वो क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो नागरिक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नागरिक और शिक्षित ये क्या है, मनुष्य है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है जो मनुष्य है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये नागरिक क्या है, नागरिक क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं,
हाँ, ये मनुष्य होते हैं, जितने भी नागरिक होते हैं क्या, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जितने भी नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और नागरिक में दोस्तों सभी नागरिक शिक्षित होते हैं या कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नागरिक में कुछ नागरिक दोस्तों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, यानी इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। फिर से एक बार समझाता हूँ, समझिएगा, ये हो गया आपका मनुष्य का सर्कल, ठीक है, मनुष्य का एक गोला बना दिए इस प्रकार से, बेसिक भाषा में समझिए। उसके बाद से ये देखिए, उसके बाद से अंदर ये क्या रखेंगे, नागरिक, नागरिक में सभी नागरिक शिक्षित नहीं होते, कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, कुछ नागरिक अशिक्षित भी होते हैं, तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस तरह से किस ऑप्शन में दिया है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम जैसे रेलवे का ग्रुप डी है, और हम आपको बता दें यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, और भी अदर एग्जाम के लिए दोस्तों अगर आप जीएस अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। सेकंड वाले चैनल का नाम एग्जाम टॉपर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉपर, उस चैनल पर दोस्तों डेली स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, और हम आपको बता दें जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं आपके करंट अफेयर के, जो जीएस के ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो टॉपिक भी उस चैनल पे कवर कराया जा रहा है। डेली उस पे दो वीडियो चल रही है दोस्तों, दो क्लासेस चल रही है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, सेकंड चैनल के नाम से उससे जुड़िए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका समझा रहा हूं, अच्छे से पहले पढ़िएगा। देखिए प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे लुप्त संख्या है, गायब संख्या यानी क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी, ठीक है। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, यहाँ पे संख्या गायब है, यही बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, आसान तरीका समझा रहा हूँ। पहले क्या करिए, संख्याओं को ध्यान से देखिए, 8, 10, 17, 11 क्वेश्चन मार्क, 10, 16, 11, 8 तो कहाँ पे संख्या गायब है, बीच में है। तो आप इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो आप ऐसे देखेंगे 8 और 16 को क्या करें कि 11 हो जाए, 17 और 8 को क्या करें कि 10 हो जाए, उसी प्रकार से 10 और 11 को करके हम यहां पर क्वेश्चन में, तो 8 और 16 जोड़ेंगे तो 11 नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी 11 नहीं आएगा, 17 और 8 को कुछ भी करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 10 नहीं होगा। जब ये ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 8 और 17 को हम क्या करें कि 10 हो जाए, 16 और 8 को क्या करें कि 11 हो जाए, उसी प्रकार से 10 और 11 को करके लाएंगे, तो 8 और 17 दोस्तों आप जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10 नहीं होगा, और 16 और 8 दोस्तों जोड़ेंगे या घटाएंगे आपस में तो 11 नहीं होगा। जब यहां पे जोड़ने घटाने पे किसी प्रकार से आपको आंसर ना दिखे तो दोस्तों तीसरा रूल क्या कहता है, आप तीन संख्याओं को आपस में जोड़िए। कहने का मतलब है यहाँ पे 8, 11, 8, 11, 19 और 19 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 17, 10, 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 35 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 10 और 11 जोड़ेंगे तो 21, 21 में कितना जोड़ दे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या जोड़े हैं क्वेश्चन मार्क पे, 14, देखिए 14 किस ऑप्शन में, 14 ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझिएगा प्रश्न ऐसे भी सॉल्व होता है, आप है तो दोस्तों अभी हम ऊपर से नीचे जोड़े हैं, आप साइड में भी जोड़ सकते हैं। यहां पे ऐसे जोड़िए 8 और 10, 18 होगा, ध्यान दीजिएगा, 8 और 10 क्या होगा दोस्तों, 18, 18 में दोस्तों 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 होगा। 11 और 14 दोस्तों इसी प्रकार से देखिएगा, 11 14 दोस्तों क्या होगा, 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 होगा, बीच में 14 है तभी। 16 11 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 में 11 दोस्तों जोड़ेंगे तो 27, और 27 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 होगा। आप चाहे तो साइड में भी जोड़ेंगे तो 35 हो रहा है, यानी क्या है दोस्तों, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी जोड़ने पे ये क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। कब आ रहा है, जब बीच में 14 रख रहे हैं तो, यानी आंसर इसका क्या होगा, 14 होगा। तो देखिए दोस्तों 14 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए।